पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कितने संजय मारोगे? हर घर से संजय निकलेगा। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, सक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस साल कश्मीरी पंडित की पहली टारगेट किलिंग हुई है, जिसके विरोध में कश्मीरी पंडितों समेत स्थानीय जनता ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। कश्मीरी पंडित तो पिछले साल से ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। अब रविवार को पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित समुदाय के संजय शर्मा की जिस तरह गोली मारकर हत्या की गई, उस घटना से कश्मीरी पंडितों का आक्रोश और बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि एक एटीएम के सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले संजय शर्मा पर दक्षिण कश्मीर स्थित पुलवामा जिले के अचन इलाके में बाजार जाते समय गोली चलाई गई, जो उनके सीने में लगी। राहगीर उन्हें एक अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हमला संजय शर्मा के आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर किया गया। उनके सहकर्मियों ने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों पर पूर्व में हुए हमलों के बाद से संजय शर्मा रात की ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, संभवतः इसलिए उन पर दिन में हमला किया गया। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजनीतिक दलों के नेताओं ने हत्या की निंदा की है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि उनके प्रशासन ने आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने एक बयान में कहा, शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। प्रशासन को आतंकवादियों से निपटने के लिए खुली छूट दी गई है और हम आतंकवाद की इस तरह की हरकतों का मुकाबला करना जारी रखेंगे। दूसरी ओर कश्मीर जोन की पुलिस ने कहा है, आतंकवादियों ने पुलवामा में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और अचन इलाके के निवासी काशीनाथ शर्मा के बेटे संजय शर्मा पर उस वक्त गोली चलाई जब वह स्थानीय बाजार जा रहे थे। पुलिस उपमहानिरीक्षक दक्षिण कश्मीर क्षेत्र रईस भट्ट ने कहा कि यह एक सुनियोजित हमला था। उन्होंने बताया कि घटना वाले गांव में सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ, जहाँ पे कि एक टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलव्वस, उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस साल कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य पर हुआ यह पहला हमला है। पिछले साल आतंकवादियों ने नागरिकों पर करीब 30 हमले किए थे, जिनमें 3 कश्मीरी पंडित, राजस्थान से 1 बैंक प्रबंधक, जम्मू की 1 शिक्षिका और 8 बाहरी श्रमिक सहित 18 लोग मारे गए थे। दूसरी ओर इस घटना के विरोध में आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यह बर्बर हत्या कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा, मैं संजय जी की बर्बर हत्या के बारे में जानकर बहुत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदना और समर्थन है। उन्होंने कहा कि इस हत्या ने एक बार फिर घाटी में सुरक्षा की स्थिति और कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा किया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में कहा, बहुत दुखद, संजय एक बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे और वह एक आतंकी हमले में मारे गए। मैं इस हमले की निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने हमले के साजिशकर्ताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने अनंतनाग में पत्रकारों से कहा, कुछ दिन पहले दक्षिणपंथी आतंकवादियों ने राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के 2 सदस्यों की हत्या कर दी थी, आज आपने हिंदू समुदाय के 1 व्यक्ति को मार डाला, आप में और उनमें क्या अंतर है? आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था, इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए, आज आपने इसको मार दिया तो फ़र्क क्या है? तो मेरा ये कहना, ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दियाँ हैं इस ख़ानदान के साथ हैं और अल्लाह ताला सबको अकल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशिर बट कस्तान, कुछ सरदार, कुछ ये
हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं, इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, कोई भी हत्या, खास तौर पर लक्षित हत्या, गहरी चिंता का विषय है और निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर मानवता को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जी को जिस प्रकार निशाना बनाया गया, मानवता को भी दागदार किया गया, मानवता को लहूलुहान किया गया है। एक निर्दोष कश्मीरी पंडित जो वहां जम्मू कश्मीर बैंक में एक सुरक्षाकर्मी के नाते से काम करते थे, जब वो मार्केट में जा रहे थे तो कायर पाकिस्तानी आतंकवादी उन्हें पीठ पर वार किया और इस हमले में संजय शर्मा साहब की मृत्यु हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि इस घटना के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया तो कश्मीर घाटी में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर की शांति को बिगाड़ने का प्रयास है। कश्मीरियत बदनाम हो रही है, हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम में कहीं पर यह दर्ज नहीं है कि आप खून ना हक बहाओ। लिहाजा हम रो रो के बोल रहे हैं, जिसने भी ये किया बहुत खून ना हक किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये तो सर हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं। हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं, कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे हमारे ये भाई महफूज रहे। मियां बीवी जा रहे थे वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, उनको जम्मू जाना था, वहाँ पे कुछ आदिवासी थी, वो कपड़े लाने के लिए यहाँ पे रेडीमेड दुकान पे चले गए। सामने से उसकी बीवी चल रही थी, पीछे पीछे चल रहा था कि बीवी अचानक वो रेडीमेड गारमेंट में चली गई दुकान पे, पीछे से एक बंदा आया, उसको गोली मार के हला कर दिया। ज़्यादा दुख हुआ ना, क्योंकि उसके जो पीछे जो फैमिली थी ना, छोटे 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 बच्चे हैं ना, बहुत छोटे बच्चे हैं, और मतलब बीवी अब जो मतलब ये जो अलग से रहते थे, अब सारे का मसला बच्चों पे पड़ गया ना। देखिए कल फिर से एक इंसानियत शर्मसार हुई पुलवामा में, जब दहशतगर्दों ने एक एटीएम गार्ड जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई था उसको सरेरा बेगुना सरेराम उसको मौत के घाट उतारा। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कश्मीर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। हमने प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ, जब तक वो यहाँ दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। लेकिन हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होने की जरूरत है, सिक्योरिटी एजेंसीज को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल पाकिस्तान में बना है, वो नहीं चाहते यहाँ के हालात ठीक हो जाए। और मुझे लगता है कल बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, हम सब कश्मीरी चाहे वो मुसलमान है सिख है, हर एक को दुख है। एटीएम गार्ड को मार के आप क्या इंसानियत दिखाना चाहते हैं? ये इस हत्या की, ये जो कल पंडित भाई की हत्या हुई है, इसकी हम पूर जोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जिन लोगों ने ये किया है वो बुजदिल हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ ही आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है और उनके आकाओं के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं करना चाहिए और ना ही ये बर्दाश्त किया जाएगा। काफ़ी टाइम से 33 साल से यही हो रहा है कि बेगुनाह मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, बेचारे में जो रह रहे थे, बेचारे को बार 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 तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कश्मीरी हर आदमी, हर बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर बेटा, हर बच्चा ये चाहता है कि अब एक बरादरी रहे, एक भाईचारा रहे। जैसे कल आपने देखा होगा कि गांव में जितने भी वहाँ के आस पड़ोस के बेचारे मुस्लिम लोग थे तो बड़े दुखी थे। तो इसके ये जो है कितनी हम मजम्मत करें,
इस बेगुनाह खून का? देखिए, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कल कायराना हरकत की, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इन लोगों ने किया है। लेकिन एक चीज़, कश्मीरी पंडित को टारगेट करने का इनका यही मकसद रहता है कि ताकि एक मैसेज ये लोग पास करें, जो इनके क्रॉस बॉर्डर पर इनके जो आकाश बैठे हैं इनको ये बता दें कि हमारी प्रेजेंस कहीं है, हमारी शाख कहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के दे आर नॉट रेलिवेंट इन टूडेज टाइम। कॉमन कश्मीरी इंक्लूडिंग एवरीवेयर इन द कश्मीर वैली, दे हैव थ्रोन आउट दिस पाकिस्तान प्रॉक्सीज इन द कश्मीर वैली एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो दियर प्रेजेंस इन द कश्मीर वैली। इसलिए ये लोग जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादर हो, हमारे यहाँ कश्मीरी मुस्लिम्स भी को कल रिसेंटली कुछ अटैक किया जिसको जख्मी किया गया था, तो ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट आई हो। तो आज के टाइम दे आर रिलेवेंट, और आने वाले वक्त में मैं आपको एक से दावे के साथ कहता हूँ कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज पर पूरा भरोसा है। जिन लोगों ने भी कायराना हरकत किया उनको वो लोग जमीन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।